सो गाइस मेरी तो तैयारी हो चुकी है भाई, रनिंग पे जाने की बोतल मैंने ले ली है। जो अपना गेहूं कटने के बाद जो तूड़ा बचता है, तूड़ा भी बोलते हैं कुछ भाषा में, कुछ भूस बोलते हैं, ठीक है। इधर से ढेर उठाया, इधर डाला, इधर से उठा के वापस इधर डाला, इधर 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 इधर। सो गाइस रेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए और निकल रहा हूँ भाई बाइक पे हूँ। अरे पापा की परिया भाई साहब, ओहो ये तो बूढ़ी परी है। ओ भाई गाइस ये सामने वाली दुकान थी, वीवो लिखा हुआ है, इससे जो है स्क्रीन गार्ड लगवा लिया है 100 रुपये का, प्लस में 100 रुपये का कैमरा लेंस। ये भाई आजकल के लोगों को चाहिए, ओ भाई साहब रील पे लड़की आ गई, लड़की का पिछवाड़ा आ गया, अगवाड़ा आ गया, बस लाइक ठोक दो। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। तो क्या हाल चाल है भाई, जस्ट अभी एक मिनट हुआ है उठे को और आँख अभी भी बंद है, मतलब आँख भी पूरी खुल नहीं पा रही है नींद की वजह से। और नींद भाई अचानक से ऐसे खुल गई, दुख के साथ नींद खुल गई, क्यों? क्योंकि मुझे ना एक सपना आया था। अभी सपना ये था कि मैंने ना आज से 8-10 साल पहले खरगोश पाला हुआ था, और मतलब सपने में तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी वो खरगोश मेरे पास था और उसको ना मैगोट्स हो रखे थे, कीड़े, अभी सीजन चल रहा है बारिश का तो कीड़े हो रखे थे उसको, और मतलब कीड़े ऐसे हो रहे थे, कीड़ों ने उसकी बॉडी को खोखला कर दिया था और मेरे से भाई देखा नहीं जा रहा था कि भाई उसको खोखला कर दिया कीड़ों ने, तो मैं उसको दवाई दिलाने के लिए ले जा रहा था। तो ये चीज़ याद करके ना मेरे जो है भाई आँख खुल गई, मेरे को बड़ी मतलब बड़ा बुरा लगता भाई ऐसी चीज़ें देख के। और खरगोश से तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने खुद पाला था भाई, 8-10-12 साल तो हो चुके हैं। 2 जनवरी को न्यू ईयर पे 2 जनवरी को लेके आया था और करेक्ट 5 साल बाद 2 जनवरी को ही मर गया वो, मतलब कि वो मेरे घर पे अपनी लाइफ गिन के लेके आया था और मेरे हाथ में मरा था भाई वो। और वो चीज़ मेरे सपने में आ जाई तो भाई बड़ा दुख हुआ मेरे को कसम से। सासू एक काम करियो, जब मंकू को उठा क्या सो गाइज मेरी तो तैयारी हो चुकी है भाई, रनिंग पे जाने की बोतल मैंने ले ली है और बाइक अपने उधर खड़ी है, बाइक भी आपको दिखा देता हूँ। बाइक खड़ी है वो और ये रहा अपना काड़ू, काड़ू इधर आ, चोट दिखा तो अरे उठ गया भाई, इसके टेस्टिस में ना भाई काफ़ी जख्म हो गया था और वो जख्म ना मतलब मैंने ठीक किया था। देखो ये सीरिंज रखा है, ये सीरिंज, इस सीरिंज से भाई इसको उस दिन में कई बार दवाई डाली थी तब जाके ठीक हुआ है। काड़ू देख अपने दोस्तों से मिल, ओह या चलो भाई काड़ू मिल लिया, मैं अभी निकलता हूँ। गाइज अपने रनिंग स्पॉट पे आ चुका हूँ, अपने पीछे बाइक लगा दिया और सेम उसी जगह पे जहाँ पे मैं हमेशा आता हूँ रनिंग के लिए, और आज भी उसी जगह पे आया हूँ, बाइक खड़ी कर दी। और मेरे पीछे जो दिख रहा है ना आपको, ये कुछ लोग खड़े और ये जो है बांस का घर बन रहा है, ये पता क्या है, ये है मशरूम। थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये जो है बांस उठा रहे हैं, ये बांस के मकान सा बना रखा है। और इधर कुछ लोग ये पता क्या करता है, ये जो है भूसखा ढेरा है, जो अपना गेहूं कटने के बाद जो तूड़ा बचता है, तूड़ा भी बोलते हैं कुछ भाषा में, कुछ भूस बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसका ढेर लगाया हुआ था, इस पर जो है पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद इसको ना सड़ाया जाता है, जो ये गोबर की फोम बन जाता है, दिखने में गोबर लग रहा है लेकिन ये भूस था, ठीक है। तो गोबर की फोम में बन जाता है, इसको डेली सुबह या फिर 1-2 दिन में ये इधर से ढेर उठाया, इधर डाला, इधर से उठा के वापस इधर डाला, इधर 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 इधर, ऐसा चलता रहता है इनका ढेर, ठीक है। तो तब जाके जो है मशरूम की तैयारी होती है। और अभी जो मकान बन रहा है उसमें ना ये भरेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका तैयार हो चुका है, जब ये मकान बन जाएगा बांस का तब ये जो है उस मशरूम के लिए इस भूसे को उसमें डालेंगे, ठीक है, सड़े हुए भूसे को, तब जाके वो मशरूम आगे के लिए तैयार करें। बातें काफ़ी हो चुकी है, सूर्यदेव आ चुके हैं, अपनी बाइक यहाँ पे टिका दिए और मुझे जो है इस रोड पे जाना है रनिंग के लिए। 1 hour later वर्कआउट तो भाई हो चुका है, पसीना देख रहे हो, मेहनत का पसीना भाई, बस अब फटाफट से घर निकलता हूँ। तो भाई अभी तो तासों को जो है स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, पैसे दे दियो किराए के, सुन ले हेलो, और वो बैंड वाला कौन है, ओए ये कौन है भाई, गांधी जयंती का, अरे वाह, तो फिर गांधी जयंती पे तो ढोल बजाएगा उधर, हाँ बेटा फेमस हो गया, कर दो भाई इसको फेमस कर दिया अनु, किसी को शादी की बुकिंग देनी हो तो इसको दे दियो, ठीक है ठीक है भाई। कितने रुपए लोगे, मेरी शादी में बजाना है ढोल, कितने रुपए लोगे बताओ बताओ, लाइट वाला ढोल है 1 लाख रुपए है सही में,
चल भाई ठीक है दे देंगे ना। पता है ना अभी तो भाई तेरे पास काम आएगा बहुत सारा है ना भाई। सो गाइज रेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए और निकल रहा हूँ भाई बाइक पे हूँ और मोबाइल का डब्बा मतलब आईफोन इसके अंदर है फिलहाल के लिए। तो भाई कोई बंदा अगर वीडियो देख रहा है और मेरे को मिल रहा है भाई मेरे बैग से निकाल मत लेना। जस्ट फॉर फन मजाक के लिए और अभी निकलता हूँ भाई। काफ़ी टाइम हो चुका है 10-15 मिनट लगने हैं मुझे ऑफिस पहुँचने में। लो भाई ये गली तो बंद हो रखी है। चलो कोई नहीं अपन तो इस गली से निकल लेंगे। और गाइज अभी ना मैं लगभग 20 दिन बाद मोटो व्लॉग बना रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि 20 से 25 दिन हो चुके यार। वो इसलिए क्योंकि ये जो एंड्रॉयड फ़ोन लग रहा है ना सामने, इसमें भाई एडिटिंग करने में बहुत तकलीफ होती थी। मतलब कि क्या बताऊँ, एक वीडियो में ऐसा दिमाग की चटनी हो जाती थी बिल्कुल ही, तब जाके जो है वो वीडियो बनती थी एडिट मतलब। तो अभी फ़िलहाल आईफोन लिया है। आईफोन बहुत अच्छा काम करता है भाई एडिटिंग के मामले में, मानना पड़ेगा। बिल्कुल भी लैग नहीं है, 0.1% भी लैग नहीं है आईफोन में एडिटिंग के वक्त। मतलब ऐसे स्मूथली होता है सब कुछ, क्या ही बताऊं। और ना यार मैंने वैसे भी सोच ही लिया था कि भाई हाँ अब वीडियो एडिट करनी है तो आईफोन में ही करूँगा वरना नहीं करूँगा, क्योंकि मूड बेकार होता था ना और डेली डेली मूड बेकार करना अच्छा नहीं है। अगर आपके काम करने में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर मज़ा नहीं आता, अगर मूड ही नहीं करता ना काम करने का, क्योंकि दिक्कत इतनी रहती है तो मज़ा भी नहीं आता। अब वैसे मज़ा आ रहा है तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट जो है ट्राई कर रहा हूँ डेली व्लॉग शूट करने की घर पे जितना हो पाता है, क्योंकि यार ऑफिस का भी रहता है, ऑफिस भी जाना होता है। घर पे रहना तो डेली की वही टाइम टेबल है, सुबह उठो अपने घूमने फिरना हुआ तो घूमने फिरने चला जाते हैं, वरना घर पे आ गए चाय नाश्ता करके तैयार होके ऑफिस निकल जाते हैं। ऑफिस का रास्ता भी काफ़ी छोटा है तो अपने को इतना लंबा ट्रैवल नहीं मिलता कि भाई मैं उसमें काफ़ी कुछ आप चीज़ों को दिखा सकूँ आप लोगों को। डेली का सेम रोड रहता है, एक रोड या फिर एक दूसरा रोड, दो रोड रहते हैं ना मेरे ऑफिस के, दो नहीं कई रास्ते हैं वैसे तो देखा जाए तो। बाकी मैं अपने फैसिलिटी के हिसाब से जो मूड किया, मूड के ऊपर बात है, जो मूड किया उसी रोड से निकल जाता हूँ। बाकी हाँ अब है थोड़ा सुधार है एडिटिंग में और क्वालिटी में। अब तो मैं सारे ब्लॉग जो है भाई आईफोन से ही शूट कर रहा हूँ। कहने को ये थोड़ा वो हो जाएगा कि भाई बंदा फ्लैक्स मार रहा है, फ्लैक्स नहीं जब किसी की ज़रूरत पूरी होती है ना तो बहुत खुशी होती है भाई। जब बहुत नीड आपकी जो इस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक चीज़ और दिखाऊँ, ये देखो भाई ये दो दो चार्जिंग पॉइंट, ये मतलब ऐसा जुगाड़ बनाया मैंने परमानेंट फिक्स सॉल्यूशन। अब ये ख़राब होने से तो रहा, ख़राब ये तब होगा जब इसके अंदर ज़्यादा पानी जाएगा, थोड़ा बहुत पानी जाने से ये ख़राब नहीं होगा। अब किसी को एडवाइस चाहिए कि भाई ये मैंने पोर्ट कैसे लगाया है तो बता देना, बहुत ही सिंपल सा है कोई भी लगा लेगा। क्योंकि पहले एक लगाया हुआ था इधर चार्जिंग पोर्ट तो वो बहुत जल्दी टूट गया, मतलब 24 घंटे के अंदर टूट गया और एक महीने तक मैंने ऐसे ही लटकाए रखा था उसको। तो तब जाकर एक जुगाड़ हाथ में लगा ये, और ये भाई पक्का जुगाड़ है, बहुत बढ़िया है। दो चीज़ें आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो, जैसे कि मैं तो मोबाइल या फिर कैमरा, दो डाटा केबल है मेरे पास, लगा देता हूँ, बढ़िया से चार्ज होता है, फास्ट चार्ज करता है, ऐसा भी नहीं है कि स्लो करें। और मुझे ना हैंडल में थोड़ा सा लैग लग रहा है यार, जैसे कि हैंडल टेढ़ा हो, देख लो यार मेरे को ना ये ऐसा लग रहा है, ये ऊंचा लग रहा है, ये नीचा लग रहा है, समझ में बात नहीं आ रही है, ऊंचा नीचे हैंडल लग रहा है मेरे को। बाइक गिरी थी ना एक जगह, ये रोड से जाना था पर ये रोड आगे बंद है इसलिए मैं इस रोड से जा रहा हूँ अभी। वैसे आज मेरे अकाउंट से एक जो है एक EMI कटने वाली है, उस EMI के कटने के बाद थोड़ा बहुत पैसा भी अकाउंट में बचेगा, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा लिमिटेड पैसा था, थोड़ी सी भाई गड़बड़ चल रही है, मतलब कि जेब में जेब थोड़ी सी भारी चल रही है टाइट, तो अकाउंट से कुछ पैसा कटेगा, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा भी अकाउंट में। तो उससे मतलब शाम को अगर मेरे को टाइम मिला, ऑफिस से छूट गया मैं जल्दी या फिर टाइम मिला तो एक बार मार्केट जाऊँगा मैं मोबाइल के, और उधर जो आईफोन है उसका स्क्रीन गार्ड लगवाऊँगा, क्योंकि मैं अभी उसको बहुत ही सेफ तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो है मैं आईफोन को बहुत सेफ तरीके, अरे पापा की परिया भाई साहब, ओहो ये तो बूढ़ी परी है बूढ़ी परिया चला रही है भाई, है तो पापा की पर वो बूढ़ी परिया है भाई, इनसे थोड़ा साफ बोलो। डर लगता है यार जैसी लेडीज़ को देखते हैं ना कुछ भी ड्राइव करते हुए, चाहे साइकिल ही चला रही हो तो डर बहुत लगता है। अभी भाई उस साइड से चला रही है, उस साइड चला रही थी, ओ भाई बहन की आँख देख लो भाई साहब।
जय हो। ये है मुक्ति धाम, मुक्ति धाम है भाई ये, मतलब कि शमशान घाट। मेरे डेली इन रस्तों से आना जाना रहता है भाई अपने। क्या यार मुक्ति धाम में ही तो आया, इधर भी जो है भोलेनाथ का वास रहता है और इधर से ही गुजरने में क्या डर रहता है। लोगों को लगता है उनके पीछे भूत प्रेत हवाबाजी ना लग जाए, जो ना होगा हो ही जाएगा भाई, मन का वहम है। मानोगे तो पत्थर है, ना मानोगे तो भगवान है, तो यही बात है। मानोगे तो हवा है वरना भूत प्रेत है। दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और ऑफिस से जो है भाई मार्केट जा रहा हूँ, अभी घर नहीं जा रहा डायरेक्टली। मोबाइल का जो है भाई कुछ सामान लेना है, मतलब कि स्क्रीन गार्ड और कैमरे के लेंस, अगर इधर लोकल मार्केट में मिल जाए तो। वैसे मिल तो जाने चाहिए उम्मीद है, थोड़ा इधर बड़ी दुकानें हैं मेरे यहाँ से, मेरे यहाँ पे भी है, पर मेरे यहाँ पे ना बड़ा महंगा दे रहे थे यार, 200-250 रुपये का स्क्रीन गार्ड यार, कौन देता है भाई 250 रुपये का। ये वाओ, वैसे भाई रिस्की था ये जो मैंने अभी हरकत की है, वैसे तो मेरे को डर नहीं लगा करते हुए। बाकी हाँ, जो ये जो बंदे जो लोग ये हरकत करते हैं उनको डर लगता ही नहीं है यार, सच्चाई तो ये है। जो बंदे ऐसी हरकत करते हैं ना रेस राइडिंग की, उनको डर नहीं लगता, वरना वे करते ही क्यों। यहाँ पे भाई एक मोबाइल की दुकान, यहाँ पता करता हूँ। A few minutes later. गाइस ये सामने वाली दुकान थी, वीवो लिखा हुआ है, इससे जो है स्क्रीन गार्ड लगवा लिया है 100 रुपये का, प्लस में 100 रुपये का कैमरा लेंस। वो मेरे को महंगा लगा यार, मार्केट रेट अगर सच में देखा जाए तो 30-40 रुपये हो सकता है, 50 मान लो, 60 मान लो, लेकिन 100 तो भाई बहुत ज़्यादा है, इसमें तो दुकान वाला बहुत ज़्यादा मार्जिन खा रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, बाकी उनकी मेहनत है, अपना काम हो गया, अपनी महंगी चीज़ बच गई। बाकी वो बंदा चौक गया, अगर उसको मैंने रेट बताया ना आईफोन का महंगा, इतने का मुझे डील मिली है, तो बंदा अभी देखने लगा कि काश हमें भी मिल जाती ऐसी। अभी जो है भाई घर से कॉल आया था, मतलब कि भाई का कॉल आया था, फरमाइश किया उन्होंने जलेबी खाने की। मैं कहा चल भाई तुम्हारे बहाने एक जलेबी हम भी खा लेंगे, तो भी जलेबी ही लेने जा रहा हूँ भाई दुकान पे। ए भाई साहब, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है यार, हैंडल टेढ़ा हो रखा है बाइक का, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे अंकल मैं जो बुढ़े बुढ़े लोग भाई, बुढ़े बोल गया, किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना नहीं है, कहने मतलब यह, जब से वो लेफ्ट इंडिकेटर देते चल रहे पिछले 400-500 मीटर से और मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, वो लेफ्ट चले सॉरी राइट चले जाए, राइट इंडिकेटर दे रहे वो, मैं कहा चल भाई राइट चले जाओ, राइट ही नहीं जा रहे यार, और लेफ्ट की जगह घेरी हुई है उन्होंने और राइट नहीं जा रहे। इस मार्केट का शुरू से ही यही हाल है भाई, भीड़ भीड़ भीड़, अगर दो बसें आ जाते तो बहुत तगड़ा सीन हो जाता है। ओहो बंदों की नज़र कैमरे पे, ये बंदा कौन आ गया अजूबा। लोकल मार्केट्स में मैं भाई कम ही निकलता हूँ कैमरा लगा के, और भाई जाहिर सी बात है इतना खर्चा करेंगे तो दिखाने के लिए ही कर रहे हैं, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो वीडियोज़ कैसे बनेगी। काम करेंगे तभी तो नाम होगा, काम होगा तभी तो नाम होगा, अगर बाहर ही नहीं निकलेंगे, शर्म के चक्कर में रह गए ना, जिसने करी शर्म उसके फूट के करम, और हमारे तो पहले से ही है लेकिन हमने शर्म भी नहीं करी। चलो कोई नहीं, जलेबी वाले के पास पहुंच लिया। A few minutes later. तो लो भाई मिट्टी मिट्टी करारी करारी जलेबी ये रही हैंडल पे, घर जाने तक तो भाई ठंडी हो लेती है 5 किलोमीटर ट्रेवल करके, तो 2 पीस अभी खा लिए भाई मज़ेदार। अरे मोटू हट जा, मोटू लोग आगे ही खड़े हो जाते हैं, आज मंगलवार है तोते का तो बुखार है। ये भीड़ भाई ऐसी हो रही है, नॉर्मल भीड़ हो रही है, वैसे तो बाज़ार इधर लगता है, इसमें समझ में नहीं आ रही, बाकी भीड़ है बाज़ार भी नहीं है, बुधवार को लगता है बाज़ार इधर, बुधवार और शनिवार को। आहा क्या सुगंध आ रही है, ओहो कचरे का ढेर है, कचरे का ट्रक खड़ा है तभी तो सुगंध आ रही है, मज़ा आ गया भाई सूंघ के। ये अपना पास का थाना भाई, आज तक 2 बार थाने में आया हूँ और दोनों बार सेम ही काम से आया हूँ, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि आपको किसी डिपार्टमेंट में चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो और वहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं तो उधर की तरफ से ना, उधर की तरफ से थाने के पास वो आती है क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन कॉल या फिर मैसेज या फिर डॉक्यूमेंट या फिर मेल कुछ भी बोल सकते हो, तो थाने के पास जानकारी आती है कि ये बंदा है इस नाम से या फिर सचिन नाम से है कि हमारे पास नौकरी करना चाह रहा है, इसने जो है आवेदन दिया है लेकिन हमें इसका रिकॉर्ड नहीं पता, तो आप कंफर्म कीजिए इसका रिकॉर्ड सही है कि नहीं है। तो ये पहले अपनी बुक्स में देखते हैं, मतलब कि थाने में चेक करते हैं इस बंदे के नाम से कोई आज तक कोई कंप्लेंट या फिर कोई भी केस ना चल रहा हो नॉर्मल वगैरह से अलग, ठीक है, जिसमें इसका नाम हो बंदे का, लड़ाई झगड़ा है
जब ये जो थाने से ओके कर देंगे ना तो बंदे की नौकरी पक्की, लेकिन उससे पहले 100 रुपये की पत्ती। ज़्यादा लोड नहीं है, इजीली कैरी कर सकते हैं वैसे तो अंकल। और मेरी जलेबी ठंडी हो रही है, घर पे जलेबी मांग रहे हैं तो जा रहा हूँ भाई। सॉरी अंकल। सो गाइज, मैं ना अपने काम का श्रेय, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कुछ मिला हो या मैंने आईफोन ख़रीदा हो, आईफोन का भी श्रेय मैं तुम लोगों को ही दूंगा भाई। तुम लोग मुझे देखते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते हैं। हाँ भाई, इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, जय बजरंगबली, जय श्री राम, इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है भाई वीडियोज़ देखने में, या क्लियरिटी नहीं मिल रही, या फिर और कोई रीज़न, आवाज़ का रीज़न, ठीक है। तो राम का नाम और दूसरा इन लोगों के लिए काम, इन लोगों की सेवा। तो भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, और जितना ही मुझे लोगों से प्यार मिलता है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं राइडर के नाम से, या फिर ये जानते हैं बंदा यूट्यूबर है, या फिर इस गली मोहल्ले एरिया में रहता है, या फिर ये काम करता है, हेल्पिंग रील बनाता है, जो भी है, उन लोगों को भाई धन्यवाद। और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ, ठीक है। ये भाई आजकल के लोगों को चाहिए, ओ भाई साहब रील पर लड़की आ गई, लड़की का पिछवाड़ा आ गया, अगवाड़ा आ गया, बस लाइक ठोक दो। ऐसे चीज़ों को कौन देखता है? पर आदमी को ना तब महसूस होता है जब वो किसी दिन तकलीफ़ में फंसा और उसके सामने सेम वही बंदा, फिर उस तरीके का बंदा, और वही घटना घटती है। मतलब कि कोई जैसे कि कहीं खड़ा हो, उसको कोई सहायता नहीं दे रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, उसको सहायता मिलती है ना, तो शायद उसको थोड़ा बहुत मेमोरी में आ जाता है कि मैं इन लोगों को या फिर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, और ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो किसी ने मेरी सहायता की है। अभी वैसे मेरे साथ अंकल है तो मैं इधर से किसी को बिठाना नहीं चाह रहा, जाहिर सी बात है लेडीज़ लोगों तो मैं वैसे भी नहीं बिठाता, और अब तो आदमियों को भी बिठाने का भाई धर्म नहीं है। क्योंकि हमारे रिलेटिव में ना एक बंदे को हमारे रिलेटिव ही था भाई, उसको भरी दोपहरी में जो है किसी ऐसे एरिया में, रिमोट एरिया में, जहाँ पे लोग नहीं, कुछ नहीं, खेतों के टाइप में ना, उसको भाई कुछ नशा सूंघा दिया और उसके जेब से जो है पैसे ले लिए। तो बेकार है भाई ऐसे, गाड़ी थोड़ी ना है, गाड़ी में भी रिस्क है, ऐसे पीछे से कोई चाकू लगा दे, पिस्टल लगा दे, कुछ नशा सूंघा दे, बोले भाई मुझे यहाँ छोड़ दो, इस गली में छोड़ दो, और कुछ घटना घट जाए तो भाई जिम्मेदार कौन होगा। तो आज का टाइम ऐसा ही है, जैसा जैसा मॉडर्न टाइम होता जा रहा है वैसे ही जो है भाई क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो। अब तो भाई दारू पार्टी से भी डर लगता है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो दोस्तों भाई पापा का कॉल आया है और घर जाके, मतलब अभी 5 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा, और घर जाके जो है तुरंत कुछ काम आ गया है तो मेरे को जाना पड़ेगा, वो काम में मेरी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और अंकल को बोलता हूँ मैं, कहा अंकल निकल रहा हूँ, तो थोड़ा पास में ही है। अंकल निकल जाऊँ मैं? ठीक है चलो, जय श्री राम। ये रही भाई मेरे यहाँ की मार्केट, ये उजाला ऐसा रहता भाई पूरी रात, 24 घंटे ऐसे उजाला रहता, चाहे दिन हो रात हो, देख लो भाई ये मेरे यहाँ की मार्केट है। दिल खुश हो जाता मेरे को ये सब चीज़ें देख के ना, और इसी चीज़ को अगर मैं फ़ोन में देखूँगा, फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, जो भी है स्क्रीन में देखूँगा, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी भाई, और भी ज़्यादा सुंदर दिखती है।